Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In the class of UPSC CSET, today we will discuss coding and decoding. In the last class, हमने letter coding decoding discuss किया था last class के अंदर. आज के class के अंदर हम discuss करेंगे letter and number coding decoding. Okay? क्योंकि coding decoding important है, एक question आ जाता है. It depends कि हाँ जी letter coding decoding exam में आ रही है या फिर आपके पास में letter number coding decoding आ रही है. ठीक है? तो जिन students ने पहले letter कोडिंग डिकोडिंग चेक नहीं किया है, पहले उसको आप चेक कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है लेटर कोडिंग डिकोडिंग का. ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर कोडिंग डिकोडिंग. ओके, जैसे ही बात आती है अपने पास में नंबर्स की, हाँ जी बेटा, जैसे ही हमारे पास में नंबर आ रहा है दैट मीन्स वर्ड कि आपके पास में जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स जो हैं, उनकी नंबरिंग एटलीस्ट आप सभी को याद होनी चाहिए. जिनको अभी तक नंबरिंग याद नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबरिंग आप सभी को याद होनी चाहिए. ठीक है, और कौन से पर्टिकुलर लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो ये सभी ने लर्न करना सो दैट कि आप इजीली इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कर सको. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास में. क्या है बेटा क्वेश्चन, देखो कह रहा है इफ डी इज कोडेड एज 4. क्या कहा गया है, इफ डी इज कोडेड एज 4 एंड कवर इज कोडेड एज 63 देन बेसिस विल बी कोडेड एज. कह रहे कि डी को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है. जैसे ही हमारे हमें पता चला कि डी को 4 लिख रहा है, दैट मींस हमें पता भी है कि डी कौन सी पोजीशन पे आता है, फोर्थ पोजीशन पे आता है. ठीक है, ए बी सी डी, डी इज एट फोर्थ पोजीशन. ओके, तो अब दैट मींस कि हमें क्या लेना है, उसकी नंबरिंग लेनी है. ओके, अब उसने दूसरा भी कहा है कि कवर को क्या कह रहा है, 63. दैट मींस कि हम चेक कर सकते हैं कि हाँ जी सेम लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो कर क्या रहा है. अगर हम बात करते हैं बेटा कवर की, इन दैट केस सी इज एट थर्ड पोजीशन, ओके, ओ इज एट 15th पोजीशन, वी इज 22nd पोजीशन, ई इज एट 5th पोजीशन एंड आर इज एट 18th पोजीशन. ओके, सो कितना हो गया ये आपके पास में, देखो आप 63 बन रहे, यस बिल्कुल बन रहा है ये आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 63. और ये क्या कह रहा है, दिस इज 63. दैट मीन्स व्हाट, कि क्या लॉजिक लगा हुआ है कि जितने भी लेटर्स आपके पास वर्ड में गिवन है उन सभी की पोजीशनिंग को ऐड करा हुआ है. जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो जो आपका कोड बन रहा है. तो यहाँ पे आपके पास वर्ड क्या गिवन है बेटा, दिस इज बेसिस. तो हम भी यही करेंगे, B is at second position, A is at first position, S is at 19th position, okay, I is at 9th position and S is at 19th. Clear? सभी का add करो, कितना हो गया ये? Yes, सभी को add करेंगे, then it will, yes, करो total, 22 और 3, this is equal to 50, देखिए सभी, 50 बन रहा है, सीधा बेटा देखो, 19, 19, 38 तो ये हो गया, 38 एंड 2, 40, 40 एंड 10, 50. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, 50 विल बी द करेक्ट आंसर. कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि नंबरिंग याद होनी चाहिए सभी को. तो अगर हमें नंबरिंग याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर लेटर कौन सी पोजिशन पे आ रहा है तो उस केस के अंदर इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में आप उलझ जाओगे. ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से हम फोकस करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को. ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, इफ रोज इज कोडेड एज 6821, क्या कह रहे हैं, रोज इज कोडेड एज 6821. ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर हम पोजीशनिंग देखें तो बेटा पोजीशनिंग के हिसाब से भी नहीं बन रहा. अगर हम अपोजिट से चेक करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड पोजीशनिंग देख रहे हैं तो बैकवर्ड पोजीशनिंग से भी नहीं बन रहा. थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने लेटर्स हैं अगर उसी के कोरस्पोंडिंग उतने ही नंबर गिवन है, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर के कोरस्पोंडिंग उसका कोड गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा क्या कहा गया आपको, चेयर. यस, चेयर के लिए कोड क्या है, दिस इज 7, 3, 4, 5, 6. ओके, नेक्स्ट फ्रिज के लिए भी गिवन है आपके पास में, E A C H 9, 6, 1, 4, 7, 3. तो जैसे ही आपको दिखाई दे कि हाँ जी काफी सारे वर्ड्स के लिए आपके पास कोड गिवन है
तो ये समझ लीजिए दिस इज डायरेक्ट लेटर नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ओके, डायरेक्टली है, हर एक के कोरस्पोंडिंग हमें नंबर गिवन है, ओके okay? और दूसरा कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है, कई बार इतना ज़्यादा कुछ नहीं गिवन होता हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है, कि जो जो वर्ड्स आपके क्वेश्चन वर्ड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो जो लेटर्स यूज हुए वो सभी के सभी लेटर्स आपके पास में क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ओके okay? तो जैसे यहाँ पे है सर्च, हमें फाइंड आउट करना है, सर्च के लिए हमने कोड बताना बेटा, ओके okay? अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि S का कोड क्या है, S दैट मीन्स 2, E दैट मीन्स 1, A यहाँ पे आपके पास में, A मीन्स 4, R हमारे पास में यहाँ पे भी आ रहा है, R इज एट 6, ओके, CH इज देयर, दैट मीन्स 7th. अब अगर देखें तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, है ना, तो हमारे पास में कोड क्या आ गया, दिस इज 214673, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके. तो अगर आपके पास में लेटर्स के सभी लेटर्स के कोरस्पोंडिंग नंबर गिवन है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली प्लेस द कोड, ओके. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ वर्क इज कोडेड एज 412916, वर्क क्या कोड है, दिस इज 412916, देन व्हाट इज द कोड फॉर वुमेन, ओके. तो अब यहां पे देखो W और O के लिए है 4 and 12, दैट मीन्स किसके लिए क्या कोड होगा, 4 and 12, ओके. अब 4 and 12 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो मुझे दो जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दो ऑप्शन के अंदर मुझे 4 and 12 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आई शुड फाइंड आउट द लॉजिक, कि यहाँ पे लॉजिक लगा क्या है, तभी तो हम बाकी के वर्ड्स, जो वर्ड के अंदर बाकी के लेटर्स है उनके लिए कोड फाइंड आउट कर पाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो W है, W इज एट 23rd पोजिशन, W इज एट 23rd पोजिशन, ओके. एंड अगर हम बैकवर्ड से देखते हैं तो बैक से अगर हम जाते हैं तो बैक से जो W है, W की पोजीशन बेटा क्या बनती है, 4th बनती है. कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये बैक से बैकवर्ड पोजीशन है, अगर आपको बैकवर्ड लाइन नहीं भी है तो आप ये देखिए कि दोनों का जो टोटल है दैट शुड बी 27. देखिए A एट फर्स्ट पोजीशन, Z इज एट 26th पोजीशन, है ना. तो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग से देखूं A को तो वहां पे मुझे कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, फर्स्ट पे मिलेगा. अगर मैं लास्ट से रीड करना शुरू करती हूँ तो मुझे कौन सी पोजीशन पे मिलता है, यस 26th पोजीशन पे मिलता है. पॉइंट इज क्लियर. तो अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 27 बन रहा है. तो अगर इस तरह की कंडीशन है दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास में अपोजिट वर्ड्स ले रहा है, जो वर्ड के अपोजिट पोजीशन ले रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए W क्या है आपके पास में, 23rd पे बेटा कहाँ से है, स्टार्टिंग से, और अगर हम बैकवर्ड से देखें इट इज एट 4th पोजीशन, ओके. सेम वे O का है, R एंड K क्या ले रहा है, सभी की बैकवर्ड पोजीशनिंग ले रहा है. अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्टली इस तरह से करिए, देखिए दिस इज 23, O इज एट 15th पोजीशन, R इज एट 18th पोजीशन एंड K इज एट 11th पोजीशन, ओके. अब सभी का टोटल देखो कितना बन रहा है आपके पास में, दिस इज 27, दिस इज 27, बस आपको 27 बनाना है, सिंपल ये सोच के चलो. तो अगर मैं यहाँ पे भी देखती हूँ, दिस इज एट 23rd, ओके, O इज एट 15th पोजीशन, M इज एट 13th पोजीशन, दिस इज एट 1st पोजीशन एंड O इज एट 14th पोजीशन, दिस इज 15, ओके. सो अगर हम इसको 27 बनाते हैं तो ये कितने पे आ गया बेटा, दिस इज एट 14th, ओके, दिस इज 26 एंड दिस इज 30. सो द कोड इज 1, 12, 14, 26 एंड 13. हाँ जी, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी. हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P. अब यहाँ पे आपके पास में डायरेक्टली गिवन है, क्या कह रहे हैं, 2 इज कोडेड एज P, 3 इज कोडेड एज N,
9 is coded as Q, 5 is coded as R, 4 is coded as A, and 6 is coded as B. That means again this is direct coding decoding, but question को थोड़ा सा ये है कि direct आपको simple दे रखा है, ठीक है? अब क्या कह रहा है? How is 599 599 423 is coded in that language? Okay? तो अब हमने यहाँ पे देखा 5 के लिए code क्या आ रहा है आपके पास में? This is R. The code for 9 is 2. यहाँ पे आपके पास में द कोड फॉर 9 के लिए कोड क्या आ रहा है बेटा? क्यों आ रहा है? ठीक है, 9 के लिए कोड क्या है? क्यों, एंड देर आर 2 टाइम्स 9, सो क्यों एंड क्यों. ओके, 4 के लिए कोड क्या है आपके पास? ए, सो यू विल राइट ए. 2 के लिए है आपके पास पी, दिस इज पी, एंड 3 इज एन. सो दिस इज योर कोड वर्ड इज व्हाट? आर क्यू क्यू A P N. सिंपल, आई होप सभी को क्लियर है. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारे पास में, क्या है? इफ कप इज इक्वल टू 40 देन काइट इज व्हाट? इफ द कोड फॉर कप इज 40 देन व्हाट इज द कोड फॉर काइट? अगेन अब यहां पे हम देखें कि कप, इन द वर्ड कप वी हैव 3 लेटर, बट इन द कोड वी हैव 2 डिजिट कोड. ओके, दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन हुई है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके पास में कैलकुलेशन करके कोड बना है. अगर लेटर के कोरस्पोंडिंग आपके पास में नंबर गिवन होता तो हम क्या कहते हैं भाई, इसके कोरस्पोंडिंग ये नंबर है, इसके कोरस्पोंडिंग ये नंबर है. बट अगर आपको दिख रहा है कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स तो ज़्यादा है मेरे वर्ड के अंदर, बट जो आपका नंबर है, जो कोड का नंबर है, दैट इज इन द लेसर डिजिट, इन दैट केस क्या हो रहा है आपके पास में? कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही है. ओके, तो अब चेक करते हैं कि क्या कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है. बेटा कोड क्या है? 40 है. अगर हम देखते, सबसे पहले तो माइंड में क्या आती है? फॉरवर्ड कोडिंग, है ना. फॉरवर्ड अगर हम चेक करें, सो दिस इज 21 एंड 16. ओके, तो अगर हमारे पास में देखें तो कितना बन रहा है ये? हमारे पास में 40 बन रहा है. दिस इज 24 प्लस 16, दिस इज 40. डन. सेम वे हमें किसका फाइंड आउट करना है? काइट का फाइंड आउट करना है. यू विल राइट काइट. K इज एट 11th पोजीशन, I इज एट 9th पोजीशन, T इज एट 20th पोजीशन, एंड दैट इज E इज एट 5th पोजीशन. टोटल कितना हो गया? दिस 20 20 40 40 45. सो आंसर इज 45. ओके, 45 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, यस, नेक्स्ट थोड़ा सा सोचेंगे सभी यहाँ पे, क्या है? इफ बैग इज 71, बैग को क्या कह रहा है ये? 71 कह रहा है. देन व्हाट इज द कोड फॉर वॉइस? व्हाट इज द कोड फॉर वॉइस? अब देखिए, अगर हम बेटा बैग लेते हैं, इट हैज 3 लेटर्स, बट द कोड हैज 2 डिजिट्स. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अगेन कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है, बट क्या कैलकुलेशन हो रही है? तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि हाँ जी, फॉरवर्ड नंबरिंग चेक करते हैं. ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड नंबरिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो बहुत कम बन रहा है आपके पास में. जी इज एट 7, सो दिस इज 10, बट यहाँ पे मेरे पास में क्या है? 71. दैट मीन्स कि फॉरवर्ड तो नहीं यूज हो रहा है ना. तो अब ये फॉरवर्ड से नहीं जा रहा है, अभी हम क्या करेंगे? बैकवर्ड चेंज करते हैं, चेक करते हैं. दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास? कि बैकवर्ड जाओ. ठीक है, अगर हम बैक से चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम बैक से देखेंगे तो बी कौन सी पोजीशन पे है? यस, बी इज एट 25th पोजीशन, दिस इज एट 26th पोजीशन, एंड दिस इज एट 20th पोजीशन. ओके, क्लियर. तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी बन गई? 20 20 40 60 70 71. ओके, और यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में? दिस इज 71. क्लियर है पॉइंट? अगर याद नहीं है बैकवर्ड पोजीशन, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं. थोड़ा सा क्या करोगे, फॉरवर्ड तो याद कर ही सकते हो, फॉरवर्ड याद कर लो, 27 में से माइनस कर दीजिए. सिंपल.
इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं लॉजिक देखूं तो यहाँ पे हमारे पास में पोजिशन नंबरिंग क्या बन रही बेटा, 10। अगर हम देखते हैं 27, एक नंबर के लिए 27, सो यहाँ पे आपके पास में 3 लेटर्स है, तो 27 27 27 कितना बन गया आपके पास में 27 × 3 81 माइनस 10 इज इक्वल टू 71। ओके, तो जो आपको बेटर लगता है कैलकुलेशन के अंदर वो आप यूज कर सकते हो कि हाँ जी मुझे बैकवर्ड याद है। सबसे ज्यादा बेस्ट तो यही रहेगा कि हाँ जी बैकवर्ड फॉरवर्ड पोजीशनिंग को लर्न कर लो, ठीक है। अब अगर हम बात करते बेटा वॉइस की, वॉइस यस, क्या बनेगा अपने पास में, वी के अपोजिट क्या आता है आपके पास, ई, ई इज एट 5th पोजीशन। आई, आई के अपोजिट क्या आता है आपके पास, आर, आर इज एट 18th पोजीशन। सी, सी के अपोजिट आता है आपके पास एक्स, एंड दिस इज एट 24th पोजीशन। ई के अपोजिट आता है बेटा वी, एंड वी इज एट 22nd पोजीशन। यू विल ऐड ऑल दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर, क्या आ जाएगा आपके पास, यस ये हो गया 23 43 47 49 69 69, सो योर आंसर इज 69। ओके, क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई भी माइनर सा डाउट। देखो अगर हम आपको बैकवर्ड नहीं याद हो रहे, देखो यहाँ पे ये 22nd पोजीशन पे, दिस इज एट 9th पोजीशन, दिस इज एट 3rd पोजीशन। अब देखो, हाँ जी बनाओ 27 सभी को, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई इज इक्वल टू 5, इफ ई इज इक्वल टू 5, वी नो ई इज एट 5th पोजीशन, एंड यहाँ पे कोड भी क्या गिवन है उसके लिए 5, एंड रीड इज एट 7, रीड का कोड क्या है 7। अब हमारे माइंड में आ रहा है कि अरे ई के लिए तो कोड 5 है, चलो ठीक है 5th पोजीशन पे, बट रीड के लिए 7 कैसे होगा, रीड के लिए 7 कैसे होगा, क्योंकि अगर हम पोजीशनिंग को ऐड करते हैं तो 7 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा, तो हमें यहाँ पे पहले लॉजिक ढूंढना है कि यहाँ पे 7 बना कैसे, आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द क्वेश्चन वर्ड, डन। तो अगर हम देखते हैं बेटा ई के लिए उसने क्या कहा है, ई इज एट 5th पोजीशन एंड द कोड इज 5, ई इज एट 5th पोजीशन एंड द कोड इज 5, बट रीड के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे पोजीशनिंग क्या बन रही है, 1 + 4, कितना हो गया ये आपके पास 23 24, एंड दिस इज 28 दिस इज 28। ओके, अगर हम सभी का सम करते बन रहा है 28, बट कोड क्या है 7। अब हमारे माइंड में क्या गया, 28 से 7 कैसे बना, अगर हम इसको 7 बनाना चाह रहे हैं दैट मींस कि वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4, भी 4 से डिवाइड करेंगे तभी 4 आया, तभी आपके पास में क्या बनेगा 7। ओके, अब बात ये आ रही है कि भाई यहाँ पे तो इसको 4 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, ई के लिए भी तो फिर करना था ना 4 से डिवाइड। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, ई के अंदर क्या है, यस देयर इज ओनली 1 लेटर, दैट मींस कि डिवाइडेड बाय 1 एंड वी गेट 5। हियर वी हैव 4 लेटर, सो इट इज डिवाइडेड बाय 4 एंड वी हैव 7। लॉजिक क्लियर है, क्या कह रहे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है वो, नंबर ऑफ लेटर्स, कि जो आपके पास में लेटर्स हैं वर्ड के अंदर उसके अंदर कितने लेटर्स हैं उससे आप डिवाइड कर रहे हो। पहले क्या कर रहे हैं, हम नंबरिंग ले रहे हैं, फॉरवर्ड नंबरिंग, सबका सम कर रहे हैं, देन वी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, सेम वे द वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इज डियर, डियर सभी वही वर्ड है, डी ई ए आर, दैट मीन्स की जो टोटल है, टोटल कितना आएगा आपके पास में, दिस इज 28, अगेन देर आर 4 लेटर्स, दैट मीन्स अगेन आंसर इज 7, सो योर आंसर इज 7। कोई डाउट किसी को, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ओके यस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है, इफ मोबिलिटी इज कोडेड एज 4629 3927, देन एग्जामिनेशन इज कोडेड एज, मोबिलिटी का कोड आपके पास गिवन है, क्या है, दिस इज 4629 3927। ओके, अब कोड है आपके पास में
किसका फाइंड आउट करना है आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले हमें ये देखना है कोड बना कैसे। अगर हम देखें कि डायरेक्ट लेटर अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट के अंदर जो हमारे क्वेश्चन के अंदर वर्ड है उसके सारे के सारे लेटर्स होने चाहिए, तो सारे लेटर्स हैं नहीं, दैट मीन्स कि डायरेक्ट तो नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिक यहाँ पे लगा है ना। वही आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब थोड़ा सा माइंड लगाना आपने कि भाई एम जो है, एम तो 13th पोजीशन पे आता है। अगर हम फॉरवर्ड से देखते हैं इट इज एट 13th पोजीशन, अगर मैं बैकवर्ड से देखती हूँ तो एम कौन सी पोजीशन पे आता है, 14th पोजीशन पे आता है। ओके, बट इन द कोड दिस इज 4, तो 4 कैसे बना, बात आ रही कि 4 कैसे बना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 4 कैसे बनेगा, थोड़ा सा देखो ध्यान से। यहाँ पे 1 3 1 3 1 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 4 बनेगा। ओके, दैट मींस व्हाट की दोनों जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 4 आए। दैट मींस की लॉजिक मिल गया हमें। हाँ जी, क्या लॉजिक लगा है कि फॉरवर्ड पोजीशनिंग के सभी डिजिट्स को ऐड करना है और फाइनली वी कन्वर्ट इट इनटू ए सिंगल डिजिट। ओके, सो बैकवर्ड तो यूज हो नहीं रही, ये यूज हो रही है। बाकी के लिए चेक करते हैं, एक और के लिए कर लेते हैं। अब जैसे बी तो हमें पता है कि सेकंड पोजीशन पे है, आई 9th पोजीशन पे, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओ देखते हैं, ओ कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा, ओ इज एट 15th पोजीशन एंड 1 + 5 इज 6, दिस इज 6। दैट मींस लॉजिक हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेम लॉजिक वी विल अप्लाई ऑन एग्जामिनेशन, सो कम ऑन एग्जामिनेशन। यस, द वर्ड इज एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज योर वर्ड। अब देखिए पोजीशनिंग, ई इज एट 5th पोजीशन, सो डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, 5। एक्स, एक्स इज एट 24th पोजीशन, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ओके, ए इज एट 1st पोजीशन, एम के लिए तो हमें पता ही है, जो जो वर्ड आपको डायरेक्टली वर्ड के अंदर जो जो लेटर्स दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जिसका कोड हमारे पास है उसको तो डायरेक्टली लिख दिया करो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई इज एट 9th पोजीशन, एन, एन इज एट, यस, एन इज एट 14th पोजीशन, 1 + 5 दैट मीन्स की 5, 1 + 5 इज इक्वल टू, सॉरी 14th पोजीशन पे बेटा, 14th दैट मीन्स की क्या बना आपके पास में, दिस इज 5। A is at 1st position, T is 20, 20, 2. I is at 9th position, O, O is at आपका 15th पे, 1 + 5 is equal to 6, and N, N के लिए क्या बन जाएगा आपके पास में, 5. So this is your code. अब देखते हैं ऑप्शन कौन सी आ रही है, दिस इज 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, सो दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। सो लेट अस मूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन, इफ पाल्म इज गिवन ए कोड नंबर 43, देन व्हाट द कोड कैन बी गिवन टू सेंटा क्रूज। हाँ जी, अगेन वी हैव 5 लेटर्स इन ए वर्ड, बट द कोड इज 43, दैट मींस व्हाट कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे लगी है। अब ये देखना है कि क्या कैलकुलेशन हो सकती है। ओके, सो द वर्ड इज पी ए एल ए एम, डन, एंड दिस इज 43। अब देखिए क्या बनता है, अगर हम पोजीशनिंग लेते, सबसे पहला काम है पोजीशनिंग लो, ठीक है, देन फर्स्ट एल, एल इज एट 12th फर्स्ट एंड दिस इज 13, पहले ऐड अप करेंगे, ऐड करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में, 16 17 19 20 20 29 30 40 43, यस दिस इज 43। दैट मींस व्हाट कि पोजीशनिंग का टोटल हो रहा है, क्या हो रहा है, पोजीशनिंग का टोटल हो रहा है, तो यही हमने करना है सेंटा क्रूज। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, एस, एस इज एट 19th पोजीशन, दिस इज एट 1st पोजीशन, 14 + 20 + 1 + 3 + 18 + 21 + 26, सभी का टोटल करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर।
कोई डाउट किसी को? क्या करना है? सभी की पोजिशनिंग लिख लेनी, पोजिशनिंग बिल्कुल याद होनी चाहिए सभी को, पोजिशनिंग सभी को लर्न होनी चाहिए। सभी की पोजिशनिंग करेंगे, टोटल करेंगे, करो 20, देन 30, 34, 34, एंड दिस इज 54, 55, 55 एंड 3, दिस इज 58, 58 एंड 8, दिस इज 66, 76, 76 एंड सबका टोटल करेंगे, सो दिस विल बी 123। एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, 123 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कितना बनेगा? 123। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास्टर इज कोडेड एज 411259, देन पाउडर इज कोडेड एज। मास्टर को कोड दिया है इसने, क्या कोड है आपके पास? 411259। हाँ जी, अब देखो सीधा सा है, यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन मैं अभी पीछे बैक करवा चुकी हूँ आप लोगों को। M के लिए बन रहा है बेटा 4, दैट मीन्स कि M की जो पोजीशनिंग है दैट इज 13, एंड व्हेन वी ऐड द डिजिट्स दिस इज 4, तो यही हो रहा है। A इज एट 15th पोजीशन। S1 पे कैसे आया? यस, ये भी एक पॉइंट है। S1 पे कैसे आया? S इज एट 19th पोजीशन। जो S है अपने पास में वो कौन सी पोजीशन पे बेटा? 19th पोजीशन पे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है? 10। फिर इनको फर्दर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 1। दैट मीन्स तब तक हमने डिजिट्स को ऐड करते रहना तब तक कि अपने पास में सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, तब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। ओके, यस। तो अभी आपके पास कोड किसका करना है? आपको पाउडर के लिए कोड बनाना है बेटा। यस, द वर्ड इज पाउडर, PODER। ओके, सो पी इज एट 16th पोजिशन, दैट मीन्स दिस इज 7। ओके, O इज एट 15th पोजिशन, दैट मीन्स 6। W 23, 23, 2 + 3, दिस इज 5। ओके, D इज एट 4th पोजिशन, दिस इज एट 5th पोजिशन। R इज एट 18th पोजिशन, सो इट विल बिकम 9। सो द कोड विल बी 765459, 765459। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, कोई डाउट आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 2, एम इज इक्वल टू 26, जेड इज 52, देन बैट इज व्हाट? यस, अब ए को कह रहा है बेटा 2, ए को बोल रहा है 2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एम को क्या कह रहा है वो 26, एंड जेड को बोल रहा है 52। अभी मैंने सभी लिखे तो आई थिंक लिखते ही आप लोगों के माइंड में क्लिक कर गया होगा क्या हो रहा है। ए हमें पता है कि कौन सी पोजीशनिंग पे आता है, ए इज एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। 2 कैसे बनेगा? इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2। एम इज एट 13th पोजीशन, मल्टीप्लाई बाय 2। जेड इज एट 26th पोजीशन, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, यही हो रहा है। अब इसके लिए जो आपके पास में गिवन है ऑप्शंस, उन ऑप्शंस में आप देखिए कि सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। दैट मींस कि फर्दर भी कुछ कर रखा है, क्या कर रखा है? सभी का एडिशन यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बैट के लिए लेते हैं तो क्या बनेगा? यस, अगर हम बैट लेते हैं तो बैट के लिए क्या कोड बनेगा? 2 + 5 + 20। ओके, कितना बन गया? ये हो गया आपके पास में 27। फाइनली करना है क्या आपको? 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो इट विल बी 54। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 54, ऑप्शन बी 54 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास इफ ए इज 26, एस यू एन इज 27, देन सी ए टी मींस व्हाट? अब यहां पे देखिए ए को कह रहा है बेटा 26, ठीक है। अभी हमारे माइंड में क्या आएगा कि हाँ जी बैकवर्ड पोजीशनिंग है, ए की बैकवर्ड पोजीशनिंग 26 है, ठीक है। बट सन को क्या कह रहा है? दिस इज 27। अब सन को 27 कैसे ले रहे हैं? जब बैकवर्ड पोजीशनिंग की बात हो रही है तो देख इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम बैकवर्ड चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम बेटा बैकवर्ड पोजीशनिंग को चेक करते हैं तो क्या बन रहा है? एस, एस का अपोजिट जाएगा बेटा एच, एच इज एट 8th पोजिशन। यू,
यू यू का अपने पास में क्या बनेगा? हाँ जी एफ, एफ इज एट सिक्स्थ पोजीशन, एन, एन का अपोजिट जाएगा एम और एम इज एट 13th पोजीशन। ओके अब सभी का यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो कितना बन रहा है, 14 + 13 दिस इज 27। दैट मीन्स वर्ड की क्या हो रहा है कि जो आपके पास में वर्ड है वर्ड की बैकवर्ड पोजिशनिंग का टोटल कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए सी ए टी, सी के अपोजिट जाता है बेटा एक्स, एक्स इज एट 24th पोजिशन, ए इज एट 26th बैक देखेंगे तो ठीक है, और टी के अपोजिट जाता है अपने पास में जी, दैट इज एट 7th पोजिशन। ओके सभी का टोटल करेंगे 24 एंड 26, दिस इज 57, सो दिस विल बी 57। ओके दिस इज 7 डन, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? ओके सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 80, 80 को कह रहा है बेटा 20, बैट को कह रहा है 40, तो बताओ कि कैट को क्या कहेंगे? यस एट इज 20, बैट इज 40, देन व्हाट इज कैट? सो हियर यू कैन सी 80, ए इज एट फर्स्ट पोजीशन, टी इज एट 20th पोजीशन, और आंसर बन रहा है अपने पास 20। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 20, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में तो सेम वैल्यू बनेगी नहीं। दैट मींस कि क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में, यस दिस इज मल्टीप्लाइंग बैट 2, 1 एंड 20, दैट मींस 40, सो कैट 3, 1 एंड 20, दैट मींस 60, सो योर आंसर इज 60। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 60 डन। यस नेक्स्ट देखेंगे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। इफ रमन इज रिटन एज 1, 2, 3, 4, 5, दिनेश इज दिस, देन हमाम विल बी रिटन एज। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में थ्री वर्ड्स हैं और हर एक के सिंगल सिंगल लेटर के लिए आपके पास में नंबर भी गिवन है। ओके और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास में क्वेश्चन लेटर है, यस दिस इज क्वेश्चन वर्ड, अब इसके सभी लेटर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग है बेटा, डायरेक्टली आपको पुट करना है। चेक करिए एच, एच देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है एच, तो इसका कोड क्या होगा, ये हो गया दिस इज 9। ओके ए, ए हम यहाँ से देखें तो दिस इज एट 2nd पोजीशन, दैट मीन्स कि 2। एम, एम इज 3rd पोजीशन, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास में 3, ए अगेन 2 एंड 3, सो द आंसर इज 2, 9, 2, 3, 2, 3, 9, 2, 3, 2, 3, यस दिस इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर डन। यस नेक्स्ट देखिएगा, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली, इफ जी एच आई इज इक्वल टू 1, 5, 7, 8, 1, 5, 7, 8, डी ई एफ इज इक्वल टू 9, 1, 2, देन वट इज द ए बी सी इक्वल टू। अब यहाँ पे इसने सीधा सा क्या कहा है कि हर एक लेटर का एक नंबरिंग है 1 to 20, 1 to Z, दिस इज 1 to 26। ओके दैट मीन्स कि क्या है कि फॉरवर्ड पोजिशनिंग ही हमने उठानी है यहाँ पे। बट ये देखिए अगर मैं फॉरवर्ड पोजिशनिंग देखूँ तो बेटा क्या बन रहा है, दिस इज एट 7th, ठीक है 8 एंड 9, बट कोड क्या है इसके लिए, कोड बन रहा है आपके पास में 1, 5, 7, 8। अब ये देखो इससे मैं इसको कैसे जनरेट करूँ, तो सीधा सा देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये आ रहा है मेरे पास, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है दैट मीन्स कि ये इसका कोड है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो पोजीशनिंग है उसको लिखो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से देखते हैं तो ए बी सी के लिए बेटा क्या बनेगा, ए बी सी दिस इज 1, 2, 3, क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2, 4, 6, सो आंसर विल बी 2, 4, 6, 2, 4, 6। ओके सो आई होप सभी को समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है अच्छे से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी समझ आ रहा है, देन सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जो न्यू यूजर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके इसके अलावा अभी अभी पीडिया की तरफ से हम आप लोगों के लिए एक सी सेट का कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं, जो स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। एंड दिस इज ए लाइव कोर्स, लाइव क्लासेस होंगी आपके, कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, सिंगल सिंगल कंसेप्ट पे फोकस किया जाएगा।
सो दैट कि अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओ. ओके, सो क्या फीचर्स हैं इसके, इसके अंदर आपको 100+ लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं और हर एक लेक्चर के साथ में मिल रहे हैं आपको वेब नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट एंड आपको मिल रहा है पीडीएफ, क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल रही है. क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इस कोर्स की बात करें तो बेटा वीक के अंदर अभी आपकी 4 क्लासेस जा रही हैं. इसके अंदर वीक के अंदर 4 क्लासेस है, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. जो स्टूडेंट्स क्लास लगाना चाहता है, अभी ट्रायल लेना चाहता है जस्ट, देन 3 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है. 3 डेज फ्री ट्रायल इज अवेलेबल. सो यू कैन रजिस्टर नाउ फॉर द फ्री ट्रायल. जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आप वो क्लास लाइव ज्वाइन कर सकते हो. ओके, दूसरा जो क्लासेस अभी तक जा चुकी है वो आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी कैसे क्लास के अंदर कवर करवाया जा रहा है आपको सिलेबस. ओके, तो आप 3 डेज का फ्री ट्रायल लीजिए, सभी अभी आप ले सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा लिंक अवेलेबल है. ओके, यस. इसके अलावा हमारे जो वीडियो कोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो कोर्सेज है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको जो कहते हैं कि हाँ जी हमें लाइव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रिकॉर्डेड मिल जाए सफिशिएंट है. इन दैट केस हमारे पास में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं. जो स्टूडेंट्स सिर्फ क्वांट लेना चाहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हैं. 79 लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, और जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो इसके साथ में बेटा ऐड ऑन हो जाएगा. ओके, यस. इसी तरह से मेंटोरशिप लेक्चर्स अवेलेबल हैं कि आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर तरीके से. एंड दिस इज अवर कंप्लीट कोर्स जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि यस लाइव कोर्स शुरू हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. 3 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. ओके, इसके अलावा क्रैश कोर्स भी है. क्रैश कोर्स जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो जिसको लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन टेक लॉजिकल रीजनिंग. जिसको इंग्लिश में इश्यू है इंग्लिश लीजिए. एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2015 से लेके 2022 तक के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं. तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. जो आप कंप्लीट कोर्स ले रहे हो इसके अंदर आपको ये साथ में इंक्लूडेड मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं क्योंकि ये इंक्लूडेड है. ओके, इसके अलावा जो अभी हमारी ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ये भी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा. प्रैक्टिस सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल सो दैट कि आपके जो अभी जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस की तो ये भी आप लोगों को मिलेंगे विद पीडीएफ. ओके, विद पीडीएफ वहाँ पे आपको ये अवेलेबल रहेंगे. डन, तो ये सभी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ में मिल रहा है और हर एक लेक्चर के साथ में एक टेस्ट है सो दैट कि आप खुद को जज कर सको कि हाँ जी मेरा कितना टॉपिक प्रिपेयर हो गया है. सो अभी सभी ने रजिस्टर करना है फॉर द फ्री ट्रायल. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे. यस, थैंक यू सो मच. इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं. माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है. जो स्टूडेंट्स माइक्रो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है वो भी ज्वाइन कर सकता है. माइक्रो कोर्सेज क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कहते हो कि मैं कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ मैम, अगर मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम ही चाहिए बाकी तो मुझे आता है. तो उस केस में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो. इसी तरह से अगर आपको कहते हो कि नहीं मुझे तो डायरेक्शन सेंस में प्रॉब्लम है बाकी मुझे आता है तो आप डायरेक्शन सेंस ले सकते हो. आप कहते हो मुझे सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, आप सिलोजियम ले सकते हो. मीन्स सिंगल सिंगल टॉपिक के लिए आपको कहाँ पे जाना है, माइक्रो कोर्सेज में जाना है. डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है बेटा, माइक्रो कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज, द कोड इज माइक्रो कोर्सेज. सो यू कैन ज्वाइन माइक्रो कोर्सेज आल्सो. ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू.